नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। LAC पर चीन से चल रहे तनातनी के बीच दो दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने पर होगी चर्चा। मिशन बंगाल कार्यक्रम के तहत आज एक बार फिर से बंगाल में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि आज बंगाल के अलग अलग हिस्सों में करेंगे चुनावी जनसभाओं को संबोधित। आज असम दौरे पर आ रहे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से 24 मार्च तक प्रदेश मुख्यालय और सभी जिलों के कार्यालय में होंगे विभिन्न कार्यक्रम। गुजरात में आज से होगी कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं, वहीं कंटेनमेंट जोन की परीक्षाएं कोरोना के समान होने की स्थिति के बाद कराई जाएगी। हाथरस की बेटी के प्रकरण में आज फिर से सुनवाई होगी। CBI इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और कोर्ट में इन पर आरोप तय भी हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, 1 वर्ष के अंदर हटाए जाएंगे फिजिकल टोल बूथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21 मार्च को ओडिशा दौरे पर जा रहे हैं, ऐसे में कोविड टेस्ट किए बिना कोई भी व्यक्ति को उनसे मिलने की इजाजत नहीं होगी। रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाकर दुनिया भर में मशहूर हुए अरुण गोविल BJP में शामिल हो गए हैं, JP नड्डा ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित श्रमिकों की बेटी के सामूहिक विवाह समारोह में 3507 बेटियों के सामूहिक विवाह कराए गए। इस मौके पर वर वधू को CM योगी आदित्यनाथ ने दिया आशीर्वाद और बोले, सामूहिक विवाह का बड़ा लाभ है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की सिफारिश करेगी नीतीश सरकार। दिल्ली में 1.25 लाख लोगों को रोजाना लगेगा कोरोना का टीका। बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने लिया फैसला। अभय सिंह यादव और अरुण चौधरी हरियाणा विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित, CM मनोहर लाल खट्टर ने किया सम्मानित। पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले, राष्ट्रपति ने पंजाब के कृषि बिलों को सहमति नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गुजरात के CM विजय रूपानी बोले, कोरोना को लेकर सख्ती बरतेगी सरकार, लॉकडाउन के लिए रहे तैयार। राजस्थान कांग्रेस में बढ़ी अंतर्कलह, पायलट खेमे के विधायक खुलकर आए सामने, फोन टैपिंग मामले की CBI जांच की कर रहे हैं मांग। BJP ने बंगाल चुनाव के 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें चरण की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी भवन में श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए बनेगा 5 मंजिला दुर्गा भवन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करेगा निर्माण। मध्य प्रदेश के विभिन्न मंत्रालयों के 18 अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना हो गया है, जिसने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाए गए। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को दी बड़ी राहत, देवघर में एक जमीन की खरीद मामले में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। नए जोश के साथ मैदान में उतरे उत्तराखंड की तीरथ सरकार के मंत्री। पेयजल मंत्री विशन सिंह चौफाल ने विधानसभा स्थित सभागार में पेयजल से जुड़े विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 18 लाख रुपए का गबन करने वाले ATM ऑफिसर मुकेश सिंह ठाकुर व धर्मेंद्र रात्रे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडियन रेलवे ने होली के त्योहार पर घर जाने वालों को दी बड़ी राहत, कई स्पेशल ट्रेनें आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली स्टेशन से संचालित की जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ 4थे T20 मुकाबले में ईशान किशन प्लेइंग 11 से बाहर हो चुके हैं, उनके जगह सूर्य कुमार यादव फिर से प्लेइंग 11 में शामिल, चहल की जगह टीम में राहुल चाहर को लिया गया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने अयोध्या में किया फिल्म राम सेतु का शुभारंभ, बोले भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला। UP के पीलीभीत पूरनपुर से सरफराज खान की रिपोर्ट, पूरनपुर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी लिया हिस्सा। UP के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट,
सुल्तानपुर के बल्दीराया कस्बे से गुजरने वाली सारदा सहायक खंड 16 की नहर के पास ग्रामीणों ने देखा मगरमच्छ, जिसके बाद लोगों में है दहशत। हिमाचल प्रदेश से महेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। मजदूरों की मांग को लेकर प्रदेश भर से आए विभिन्न श्रमिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर किया हंगामा और मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करने जैसे कानून को वापस लेने की भी मांग की। यूपी के सुल्तानपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान नगर मंडल पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, अनुच्छेद 370, 3 तलाक व राम मंदिर निर्माण, पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। हिमाचल प्रदेश से महेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर उठाए नए कदम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब प्रदेश में कोरोना के ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।